नमस्कार, हिंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिल्कमेड दही, जो झटपट से बनने वाली है, आइसक्रीम और स्वीट जैसा टेस्ट देने वाला है ये। तो बस इसे बनने के लिए आप देखिए, मैं यहाँ पे ली हूँ 2 लीटर दूध। आप दूध कोई भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, फुल फैट, हाफ फैट, जो भी आप दूध चाहें। 2 लीटर दूध के लिए यहाँ पे 400 ग्राम मिल्कमेड मैं ली हूँ। 2 लीटर दूध को मैं पहले से अच्छी तरह उबाल ली हूँ। अब मैं इसमें मिल्कमेड डालने के बाद दोबारा 5-10 मिनट तक उबालूंगी। इसे उबालने से थोड़ा अच्छा ये गाढ़ा हो जाएगा, जिससे दही और भी टेस्टी बनेगा। तो बस ये यहाँ पे गाढ़ा होने वाला है उबल के अच्छे से, तब मैं इसे गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये अच्छे से उबल उबल के पकेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ये उबल के पक रहा है। ये दही जब आप बन के तैयार होगा खाएंगे, तो आप इसमें आपको आइसक्रीम और स्वीट का भी टेस्ट मिलेगा। आइसक्रीम की तरह टेस्ट लाने के लिए इसे आप जमने के बाद 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि बहुत ही टेस्टी ये आइसक्रीम का स्वाद देगा। बस यहाँ पे उबल गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडा होने के लिए आप इसे आधे घंटे के लिए रख दें, या आप इसे चलाते हुए 5-10 मिनट तक ठंडा कर सकते हैं। ठंडा में ये बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इसे गुनगुना रखना है जामुन डालने के लिए। तो गुनगुना इसे इतना रखे तक आप हाथ लगा के इसे चेक कर सकते हैं। मैं इसे हाथ लगा के चेक की हूँ कि कितना ये गर्म है। तो बस हाथ लगाने से पता लग गया है मुझे, ये गुनगुना है। हाथ को ज़्यादा गर्म नहीं लगा, मतलब ये दही जमने के लिए तैयार है। इसी टाइम मैं इसमें जामुन डाली हूँ। जामुन मेरा स्पून थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं 1 स्पून डाली हूँ। आप टेबल स्पून से 3-4 टेबल स्पून आप जामुन डाल दें, बस अच्छा दही बन के तैयार होगा। इसमें जामुन डालने के बाद इसे अच्छी तरह फेंटूंगी मैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम कैसे इसे मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल झाग बना के इसे मिक्स करना है। ऐसे जैसे लस्सी आप मिक्स करते हैं, इस तरह से इसे मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके फिर जिस बर्तन में आपको इसे जमाना है उसमें डाल के आराम से रख दें, बिल्कुल हिलाए नहीं। तो वही ठंडी का यदि समय है तो आप इसे कंबल वगैरह से ढक के रखें। यदि गर्मी है आप तो आप आराम से रख दें साइड में। 2 घंटे में बिल्कुल दही जम के तैयार हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे ये दही जम के तैयार हो गई है, जो कितनी स्वादिष्ट बनी है। तो आप इसे एंजॉय कीजिए और एक बार ज़रूर इसे बना करके ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वाद देगा ये। तो यदि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ इसे सर्व कर रही हूँ दाल वाली पूरी के साथ, आप भी इसे एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।